पीछे भी लिखा है, उर्दू में लिखा है मोहम्मद। बहुत स्तूप है जो नंदनगढ़ में पड़ता है। ऊपर आ चुके हैं चढ़ चढ़ के। कहाँ से घुसा देते हैं इसमें घुसाना? इसके बारे में आप क्या जानते हैं, नंदनगढ़ के बारे में कुछ सुने हो? हम तो कुछ नहीं जानते हैं, मेरे मतलब दादा परपादा यही सब जानते हैं। वो लोग जानते हैं। हेलो, हम लोग निकल चुके हैं, जा रहे हैं नंदनगढ़ जो कि लौरिया में है, बेतिया से 15 किलोमीटर के करीब करीब में है। तो आधा घंटा 45 मिनट का ड्राइव है, रास्ता बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है, तो आराम से जा सकते हैं। एक दिन में जाके घूम के आ सकते हैं, जाके देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। गाइस, तो ये अशोका पिलर है, अशोका स्तंभ है और नेहानी, इस पर कुछ कुछ लिखा हुआ है। अगर देखिएगा तो इस पर कुछ कुछ लिखा है और नीचे भी लिखा है, उर्दू में लिखा है मोहम्मद, माशाल्लाह। और बहुत सारे लैंग्वेज में कुछ कुछ चीज़ लिखे हुए हैं, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। देखोगे तो यहाँ पर माशाल्लाह लिखा है उर्दू में और भी बहुत सारे लैंग्वेज में लिखा हुआ है अशोका पिलर पर। तो ये अशोका पिलर भी सम्राट अशोक ने बनवाया था और जो ऊपर आप देख रहे होंगे ये एक मुंह वाला शेर है, तो इसको ही लोर कहते हैं पिलर को, और इसके नाम पे ही लौरिया का नाम लौरिया पड़ा है। ये देख रहे होंगे आप लोग कुछ कुछ लिखा हुआ है ये। हाय गाइस, हाय लोग, पहुंच चुके हैं लौरिया नंदनगढ़ में। और तारिक कुछ बोलना चाहते हैं इसके बारे में, लौरिया नंदनगढ़ के बुद्ध स्तूप लौरिया के बारे में? जो हम जानते हैं, जो मेरे पास जानकारी है कि लौर का मतलब होता है स्तंभ, तो यहाँ सम्राट अशोक के एक शेर मतलब एक शेर मुंह वाले का यहाँ पर स्तंभ है, तो उसी के नाम पर लौरिया का नाम लौरिया पड़ा है। चलिए घूमते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये बौद्ध स्तूप है जो नंदनगढ़ में पड़ता है और कुछ लोगों का मानना है कि ये किला था, लेकिन ये किला नहीं लगता है, गौतम बुद्ध यहाँ लुम्बिनी से आए थे और यहीं पर पहला उन्होंने गौतम बुद्ध यहाँ लुम्बिनी से आए थे और पहला मतलब मुंडन करवाया था और केश दान किया था। उसके बाद वो यहाँ से गया, फिर गया से वैशाली गए। और दोस्त ये देख रहे हैं ये सब बहुत पुराना है और यही जो हम ले गए थे मोतिहारी में, तो यही पर जो खुदाई हुआ था तो वहीं से बहुत कुछ मिला है जो वहाँ पर हम आपको दिखाए थे। तारिक, Oh, oh, oh.
ऐतिहासिक स्थल है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो अगर आप इतिहास को जानना चाहते हैं और मोहब्बत है तो आ सकते हैं। वैसे उतना कुछ जो नीचे है ना वहाँ पे बैठ के आप आराम से आए, चटाई वटाई लेकर आए, बैठे और कोई ठीक ही चटाई वटाई लेके आए, खाना वाना लेके आए, मस्त चिकन मटन खाएं अच्छे से बैठ के, कुछ नहीं करें। कुछ नहीं करना भी बहुत बड़ा चीज़ है, है कि नहीं। और देखिए ये बकरी बकरी भी इसमें आ जा रही है अंदर, तो इसको बिहार सरकार कुछ और अच्छा कर सकता था। बाबू इधर आइए। तो आप लोग इसमें बकरी बकरी कैसे, बकरी अलाउड है क्या इसमें, जो बकरी लाए हुए हैं कहाँ से घुसा देते हैं इसमें, घुसाना मतलब बकरी बकरी तब सब बर्बाद कर देगा सब। नहीं इस तरह से लेकर आना है, नदी में जाना है। नदी में जाना है, कैसा जगह लगता है, कैसा जगह है नंदनगढ़? अच्छा है। आपको कैसा लगता है, आप यहीं के लोकल हैं? यहीं पे है, लोकल हैं आप? नहीं नहीं यही पर घर है मेरा। मतलब यही पर घर है, मतलब लोकल हैं, तो ये जगह कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। यहाँ पर लोग आते हैं मतलब बहुत दूर दूर, बेतिया के लोग लोकल आते हैं? जी जी बहुत दूर दूर। तो इसके बारे में इसके बारे में आप क्या जानते हैं, नंदनगढ़ के बारे में कुछ सुने हो? हम तो कुछ नहीं जानते हैं, मेरे मतलब दादा परपादा यही सब जानते हैं। वो लोग जानते हैं, आप लोग कुछ नहीं जानते इसके बारे में। ठीक है, तो इसको सरकार क्यों नहीं कुछ और अच्छा बना रहा है, इसमें तो और अच्छा बना सकते हैं, जैसे जंगल वंगल जमा उसको साफ। सरकार पैसा देगा तभी ना। सही है, इसको और बेहतर बना सकते थे या बना सकते हैं, लेकिन बना नहीं है। तो आप लोग डेली आते होंगे यहाँ पर हर दिन? अभी क्या करते हैं आप? हम पढ़ते हैं। कौन क्लास में? इंटर में पढ़ते हैं। तो यहीं पर पढ़ाई का भी सुविधा यहाँ नंदनगढ़ में नहीं है? नहीं नहीं, बेतिया में, लौरिया, लौरिया में रह के पढ़ते हैं। और स्तंभ कहाँ है वो शेर वाला? शेर वाला वो लौरिया के बगल में। लौरिया, आपका नाम क्या हुआ? सोनू कुमार। चलिए सोनू कुमार भाई धन्यवाद, आपका वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे। ठीक है, देखिए चाचा हैं यहीं लोकल, चाचा हैं यहीं के हैं, और घर यहीं पड़ी? हमारे घर पड़ी नहीं, कितना दूर रही यहाँ से? मैंने लौरिया में पड़ी। हाँ लौरिया में। तो ये जो नंदनगढ़ बा, एक बारे में क्या जानता नहीं होगा मैंने? ये सब लोग ऐतिहासिक चीज़ है। ऐतिहासिक चीज़ है जी, सब दूर दूर के लोग वाला देखे खतरा रखे। हम लोग कहला बौद्ध धर्म हमें, तो कहला नंद राजा के घर है। मैंने सब लोग ये बात कर ला, यहाँ के लोग घूमे ला, देखे ला बुद्ध भगवान के, विदेशी तो पूजा कर लेकर विदेशी लोग भी आते हैं यहाँ पर और पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। और इसके खुदाई में हम मोतिहारी गए थे, वहाँ पर गांधी म्यूजियम है, तो वहाँ पर इसमें खुदाई में जो भी चीज मिला था, गौतम बुद्ध का मूर्ति वूर्ति भी मिला था जो वहाँ पर रखा हुआ है। हाँ पटना चलता तो सरकार इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, यहाँ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? इसको सरकार चाहेगा तो और अच्छा नहीं बना सकता है, बहुत कुछ हो जाएगा। तो यहाँ फंड वंड सरकार नहीं भेजता है क्या इधर? फंड देखिए तो ऊपर से कुछ दिख नहीं रहा है। आप लोग का गाँव में कैसा डेवलपमेंट है, लाइट वाइट रहता है कि नहीं गाँव? लाइट वाइट है, लाइट अच्छा हो गया है, रोड अच्छा है, पानी पानी उन्हीं का कोई समस्या? रोड अभी तो बन रहा है, यहाँ विधायक भी कुछ नहीं कर पाया नहीं है। यहाँ के विधायक कौन है? विनय बिहारी जी, आप थोड़ा ध्यान दीजिए नंदनगढ़ पर। नहीं इसको अच्छा बना सकता है कि नहीं, पार्क वार्क बना के तो लोग आएगा। यहाँ का एमपी है, एमपी है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। आप क्या करते हैं, किसान हैं? हम लोग किसान हैं, अपना काम करते हैं। चले किसान है, बहुत बढ़िया है, आप ही लोग के चलते हम लोग का मोदी जी के राज में कुछ मिलेगा? क्या नहीं मिल रहा है कुछ, क्या मिलेगा? किसान सम्मान, सब लड़का पढ़ लिख कर बैठ कर रोड पर घूम रहा है, देखते हैं रेलवे का स्थिति। हमारे गाँव में इंटर भी पढ़ कर बैठे, यहाँ पर गोरखपुर का बस जाती है ये गाँव से, तो गोरखपुर से बस जाता है यहाँ से। एक रोड का अच्छा कर दिया है, बाकी तो पता नहीं। अच्छा, पढ़ाई उढ़ाई के लिए इधर है सुविधा? लौरिया में स्कूल तो है, हमारा मोरियम स्कूल है, तो उसमें मास्टर नहीं है, मास्टर नहीं है, चालू नहीं हुआ है, पुराना और पुरान हो रहा है स्कूल। तो ये सब समस्या को देखना चाहिए सरकार को, इधर अच्छा से बनाना चाहिए इस स्थल को। अच्छा से जब बनेगा देखते हैं, केसरिया, केसरिया देखिए, केसरिया कितना अच्छा बना दिया है, कुशीनगर वैशाली सब साइड है, कितना इसको भी अच्छा सरकार अच्छा बनाएगा तो इन लोग को भी रोजगार मिलेगा इधर, आप लोग को भी रोजगार मिलेगा, यहाँ लोग सब बिजनेस करेगा, क्या कुछ नहीं। तुम लोग भी लोकल होगा, घूमने आए हो? घूमने आए हो, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बढ़िया। क्या नाम है बाबू तुम लोग का? हमारा नाम अंकुश है। और आपका?
पढ़ाई करते हो? फर्स्ट टाइम आए हो कि बहुत बार आए हो घूमने? बहुत बार। तो कैसा लगा, मतलब कुछ खास है? बहुत बढ़िया है या थोड़ा बहुत बढ़िया है? बहुत बढ़िया। मजा आया आपको? खाना वाना लेकर आए, खाए, पिकनिक बनाए, ये बढ़िया है। ठीक है, लोकल है, दसवा तक पढ़ाई है कि इंटर उंटर का भी पढ़ाई है? प्लस टू तक है। प्लस टू तक टीचर अच्छा है, सब सुविधा सब मिलता है? सब मिलता है। खाना पीना का कुछ जो सुविधा है सरकारी स्कूल में सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सरकारी स्कूल में मिलता रहा होगा, लेकिन इतना टाइम में हम लोग रहते नहीं है। लोग प्राइवेट में, प्राइवेट नहीं करते अभी, सरकारी में ही। तो उसमें खाना नहीं मिलता अभी? तो बच्चे भी उतना नहीं रहते हैं, नौवा दसवा खाली चल रहा है ना। हाँ, रिजल्ट कैसा आता है दसवा का तुम लोग के स्कूल में? पास हो जाता है सबको? सब चलो ठीक है भाई, हाथ दिखा दो सब। चलिए चाचा। तो भैया फर्स्ट टाइम आए हैं नंदनगढ़, और हम तो दो तीन बार आ चुके हैं, और आप लोगों को बता ही दिए इसके बारे में क्या है क्या नहीं। भाई से रिव्यू लेते हैं, कैसा लगा भाई, कैसा लगा? हमको तो उतना कुछ खास नहीं लगा। और क्या बताना चाहेंगे हमारे फैमिली को, YouTube फैमिली को? यही बताना चाहेंगे, आए तो अच्छे से खाना वाना लेके आए, इधर साइड में बैठे, पार्क टाइप का बनाया, चटाई वटाई लेके हम लोग नहीं आए, ऐसे ही बैठे हुए। और ऊपर चढ़िएगा तो ऊपर है कुछ नहीं, और व्यू वगैरह भी नहीं दिख पा रहा अच्छा से, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर झाड़ियाँ जंगल वगैरह है ना भैया। सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा नंदनगढ़ पे। अच्छा से बना सकता, कुछ अच्छा, बहुत अच्छा बना सकता है सरकार, तो उसको बनाया नहीं है, साफ सफाई हो नहीं रहा है। इसमें बकरी भी आ जा रही है।